हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आ गई हूँ आज अपनी बर्थडे सीरीज के लास्ट सिक्स वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरे पहले के बाकी सारे वीडियोस पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो उस पर और बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारी जगह शेयर करो, उस पर कमेंट्स करो, मुझे बताओ आपको कैसा लगा वो वीडियो। और उसके अलावा अब आज हम लास्ट वीडियो, इस सीरीज का लास्ट वीडियो है आज, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इन्फॉर्मेटिव। क्योंकि मैं इस वीडियो में, आपने तो पढ़ ही लिया होगा टाइटल से कि दिस वीडियो इज अबाउट टॉप 26 थिंग्स दैट एवरी गर्ल शुड हैव। तो मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च की है, मैंने ट्राई किया है बहुत कॉमन चीजों को नहीं रखूं, मैंने ट्राई किया कि कुछ तो नया आपको पता लग जाए इस वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो, पूरी 26 की 26 चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल हैं और पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो स्किप मत करना, ट्राई करना कि एक एक चीज को देखो। और मैं ट्राई करूंगी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस फॉर एवरीथिंग, बट हाँ ज्यादा से ज्यादा मैं दे दूंगी। बट स्टिल इफ यू वॉन्ट एनी स्पेसिफिक चीज की लिंक, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत लंबा सा। तो चलो पहली चीज से बात करते हैं। पहली चीज में जो मैं इंक्लूड करने वाली हूँ, सॉक्स। अब ये नॉर्मल सॉक्स जैसे नहीं है, ये थोड़े से अलग टाइप के सॉक्स हैं, आपको देखते ही पता लग जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ सॉक्स। ये अलग क्यों है नॉर्मल सॉक्स से, क्योंकि ये कुछ ऐसे हैं, मतलब इनमें कवर नहीं है। इसको पहनने के बाद आपके जो टो और बाकी उंगलियां रहेंगी ना, वो ऐसे रहेंगी, कवर्ड नहीं रहेंगी। अब ये क्यों बहुत काम की चीज है, क्योंकि देखो अगर आपने फ्रंट कट कोई बेली शू कुछ भी पहना है वहां, और आप चाहते हो कि आप शूज के साथ सॉक्स पहनो या उस बेली के साथ सॉक्स पहनो, तो फिर यार आप कवर वाले तो पहन नहीं सकते बिकॉज दे डोंट लुक गुड। तो उसके लिए ये टाइप के सॉक्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, बिना सॉक्स के बेली या शूज नहीं पहन पाते हो, तो भी बहुत अच्छा है। आपके लॉन्ग नेल्स है तो क्या होता है, बहुत टाइम अगर सॉक्स पहने रहो तो नेल्स में पेन होने लगता है। आई नो आप लोगों ने रिलेट किया होगा, क्योंकि मेरे तो होता है। तो उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने ज़िवामे से परचेज किया है, एंड दैट वाज वन ऑफ द ग्रेट परचेज। इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, 200 कुछ अराउंड है, बट ये टोटली वर्थ है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट इज अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम ज़िवामे। तो ये है एक्चुअली दिस इज अ क्लीवेज कवर। ओके, ये ऐसे होता है कि आप अपने भी अंदर के कोई भी स्ट्रिप में या ब्रा की स्ट्रिप में आप इसको ऐसे अटैच कर सकते हो, एंड इफ यू डोंट वॉन्ट कि आपका क्लीवेज दिखे, तो यू कैन जस्ट वेयर दिस। अब क्या आप इनर नहीं पहनना चाहते हो, यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू वेयर अ इनर, तो आप ये यूज कर सकते हो। अदरवाइज तो हम इनर पहन ही लेते हैं। अभी हमारा कुछ ऐसा क्लोदिंग है जिसमें स्कोप नहीं है इनर पहनने का, तब फिर क्या करें। तो उस टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और ये पैक ऑफ 3 आता है, तो मतलब मेरे पास ऐसे, और इसमें साइज का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दिस इज क्वाइट स्ट्रेचेबल, और यहाँ पे 3 बटन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हो। तो मेरे पास व्हाइट, न्यूड और ब्लैक है, और ये भी कुछ 300 या 250 के अराउंड था। दैट इज अ वेरी वर्थी थिंग। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑर्गेनिक पैड्स। देखो एक अभी एक हाई टाइम आ चुका है कि हम अपने साथ साथ एनवायरमेंट का भी थोड़ा सा ख्याल रखना सीखें, इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू स्विच ओवर ऑर्गेनिक पैड्स। क्योंकि क्या है यार कि हम अपना तो ध्यान रख रहे हैं, बट इवन जो हम पैड्स नॉर्मली यूज करते हैं, इफ दे आर नॉट ऑर्गेनिक, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो आप ट्राई करो कि ऑर्गेनिक पैड्स के लिए स्विच करो। ओके, एंड एक जो मैं सबसे बढ़िया चीज बता देती हूँ, दो कंपनीज के जो मैं यूज करती हूँ हमेशा, है ये, दिस इज फ्रॉम ब्रांड पी सेफ, एंड दिस इज फ्रॉम ब्रांड द वुमेन कंपनी। इसके तो बहुत ही अच्छे हैं, इसके भी अच्छे हैं, बट आई लाइक दिस वन मोर। कॉफी सॉफ्ट पैड्स बनाते हैं, बट यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द कंपनी। सो या, दैट वॉज द थर्ड। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द फोर्थ वन। अब आपको पता है कि यार मतलब हम लोग घर पे इस समय बहुत ज्यादा रहते हैं, और या फिर ऐसा कह लो कि यार आप एक ऐसी ड्रेस पहन रहे हो जो कि आप उसके साथ मतलब ब्रा नहीं पहन सकते हो।
तो फिर क्या करोगे? और यू डोंट वॉन्ट कि मतलब कुछ ऐसा भी नहीं होता, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में काम आता है निपल कवर. ये देखो, ये मेरे पास है. मैंने तो ये शीन से ऑर्डर किए थे, बट यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम एनी वेयर. अब तो यू नो नाइका और अमेजोन पे भी बहुत ईजिली अवेलेबल है. तो ये ऐसे ही तो शेप वाले हैं. इसमें यहाँ पे ग्लू होता है, बीच में नहीं होता है, बस आउटसाइड ग्लू होता है. आप इसको यूज कर सकते हो. ये बहुत हेल्पफुल चीज है, इसको जरूर खरीद के रखो, क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस होती हैं जिसपे आप वियर नहीं कर सकते हो, या पैडेड ब्रा वियर नहीं कर सकते हो. एंड देन वो क्योंकि आप चाहते हो कि यू जस्ट वॉन्ट टू कवर योर निपल्स, तो आप ये यूज कर सकते हो. दैट इज वेरी 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 हेल्पफुल. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. अब हम अगर हाइजीन और यू नो पर्सनल केयर की बात कर रहे हैं, तो एक और प्रोडक्ट है जो मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ उसमें, वो है नथिंग बट स्टैंड एंड पी. ये तो वुमेन कंपनी से है, बट स्टैंड एंड पी की एक और उनकी एक और कंपनी है जिससे आप ले सकते हो, मेंशन इन डिस्क्रिप्शन. बट ये बहुत हेल्पफुल होते हैं यार, अगर आप हाइजीन को लेके थोड़ा कंसर्न पर्सन हो, आप चाहते हो कि आप जब लोकल जगह पे या फिर कॉमन वॉशरूम्स पे यूज करो, तो वहां आप नहीं चाहते हो यूज करना, तो आप डेफिनेटली गो फॉर इट. ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इट वर्क्स 100%. मैं टेस्ट करके ही बता रही हूँ आपको, एल्स आई कुड हैव नेवर से समथिंग दिस, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक है आप जब कॉमन वॉशरूम्स पे जाते हो. तो इट इज वर्किंग 100%, तो आप इसको यूज कर सकते हो फॉर श्योर. ये भी द वुमेन कंपनी से है, एंड ये कागज के होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं करते हैं. यू कैन इजिली यूज देम. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अदर थिंग दैट यू मस्ट हैव इज दीज काइंड ऑफ स्मॉल वॉलेट्स. ठीक है, अगर आप बिल्कुल मतलब ऐसी लड़की हो जो कि जीन्स बड़े बड़े पर्सेस कैरी नहीं करना चाहते, या फिर आप बड़े पर्स कैरी करती हो उसके बाद भी यार हमारे पास ना ये स्मॉल वॉलेट्स होने ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो स्लिंग का जमाना आ गया है ना, इतने इतने से स्लिंग देते हैं और उसमें आप फिर कॉइन नहीं रख सकते, कार्ड्स रख, मतलब गिरने का चांस रहता है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि डिजाइनेबल इतने पर्स आ गए हैं डिजाइनर की, उसमें एक तो ढंग से कुछ रखा भी नहीं जाता है. तो उस केस में ना आप ये छोटू सा उसके अंदर डाल दो, बस खत्म काम. तो इसमें काफी कोशिश करना. मैंने तो ये मिनिसो से परचेज किया था, इसके अलावा बहुत सारे अमेजोन पे भी अवेलेबल हैं, इवन मिनिसो का वाला भी अमेजोन पे अवेलेबल है. तो मैं ट्राई करूंगी इसकी लिंक देने की, दैट आई हैव परचेज लोकली फ्रॉम लोकल मार्केट, बट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये ऐसे चेन वाला है, यू कैन हैव इट, मतलब जस्ट ऐसे टांग लो तो पर्स हाथ में रह जाता है, सो दैट इज गुड. इसलिए मैंने ये परचेज किया था. सो या लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज गोइंग टू बी अ आई मास्क. ओके, दिस काइंड ऑफ आई मास्क आई एम टॉकिंग. ये सिलिकॉन बेस्ड आई मास्क है जो कि फ्रिज में रखने से ठंडा रहता है. अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, या फिर आप ऐसे हो कि आपकी आंखों में रेडनेस बहुत जल्दी आ जाती है कंप्यूटर पे बैठने के बाद, तो आप क्या कर सकते हो ना कि इसको फ्रीजर में डाल दो. ये फ्रीज भी नहीं होता है, ये मतलब सिलिकॉन है तो ये प्रॉपरली ऐसा ही रहेगा, बट अच्छे से कूल हो जाएगा. और आप इसको ऐसे प्रॉपरली आंखों पे रख के 10 मिनट के लिए छोड़ दो, बहुत रिलैक्स फील होता है. इरिस्पेक्टिव ऑफ इफ यू आर अ गर्ल यू आर अ बॉय, कोई भी हो इसको यूज कर सकते हो. ये बहुत काम की चीज है. ये आई थिंक मैंने मिनिसो से लिया था, बट ये इजिली अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप ले सकते हो. लोकल शॉप्स में भी मिल जाता है, इट्स इजिली अवेलेबल, बट इट्स अ थिंग दैट यू मस्ट हैव. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. अब यार हमें पता है लॉकडाउन, और हमें पता है कि नहीं पता आगे क्या होने वाला है, कब क्या बंद हो जाए, तो आपके पास घर में एक मैनिक्योर पेडिक्योर किट होनी ही चाहिए, क्योंकि ताकि आप अपना घर पे मैनिक्योर पेडिक्योर कर सको. हम एक तो घर पे रहने लगे हैं, तो हम अपने ना हाथ पैरों का ध्यान रखना बिल्कुल ही भूल गए, तो ये मत करो, क्योंकि हमको पता है हमारे क्यूटिकल्स और इसमें बहुत डेड स्किन जो होती है वो इकट्ठा होती है, उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए मैं एक अच्छी सी किट आपको सजेस्ट कर रही हूँ, दैट इज VLCC मैनिक्योर पेडिक्योर किट. मैंने इसका फुल रिव्यू किया हुआ है, फुल एकदम डिटेल से, तो मैं वो आई बटन में उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, आप वो देख सकते हो. ये बहुत अच्छा किट है, मैं इसको यूज कर रही हूँ अराउंड, मैं ये सेकंड टाइम परचेज किया है. फर्स्ट टाइम का मैंने यूज किया था मैनी पेडी का, तो तीन चार बार तो आराम से चला था, तो 500 रुपए में 4 बार आपका अगर चल रहा है मैनी क्योर पेडी का, तो क्या बुरा है यार, इट्स वेरी नाइस. लेट्स मूव टुवर्ड्स थोड़ा सा फेस केयर के बारे में. तो मैं बात कर रही हूँ ये शीट मास्क के बारे में.
यार ये एक तो जो नॉर्मल शीट मास्क आते हैं वो तो एक अलग है, बट आप चाहते हो कि यार आप शीट मास्क घर पे आपने कुकुम्बर का जूस निकाला है, अब उसको आपको लगाना है, तो क्या कॉटन से लगाओ तो एक तो वो आधे से ज्यादा बह जाता है, वो बहुत ज्यादा मतलब एकदम अजीब सा ही हो जाता है। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, दीज आर यू नो एक्सपेंडेबल शीट्स, ये पानी में डालने के बाद प्रॉपर आंख नाक और वो जो गैप पे जैसा आपको शीट मास्क मिलता है ना वैसे ही बन जाती है। तो इसमें आप अपना टमाटर का जूस निकालो, खीरे का जूस निकालो और जो आपने प्रिपेयर किया है हनी लेमन का मिक्सचर वो सब लगा के बैठ सकते हो आराम से, एंड मतलब कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है ये, और तो ये आपको अमेजोन में इजीली अवेलेबल हो जाएगा और ये बहुत काम की चीज़ है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट दिस काइंड ऑफ मिरर, ओके। देखो ये जो मिरर होता है ना, अगर आप थोड़ा सा भी मेकअप करते हो या आपको ब्लैक हेड्स रिमूव करने हैं या और भी ऐसी चीजों के लिए, हमें अपने चेहरे को पास से देखने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये मिरर एक्चुअली क्यों खास है, क्योंकि ये टू वे मिरर है, यहाँ पे जब देखोगे तो बहुत बड़ा सा होता है ना वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं जिससे बड़ा कर देता है वो है, एंड दिस वन इज नॉर्मल ग्लास। तो ये अमेजोन में फ्लिपकार्ट में भी है एंड मिनिसो में भी है, मैंने तो मिनिसो से परचेज किया था क्योंकि इतना सुंदर और इतना कॉस्ट कम में मुझे वही मिल रहा था तो मैंने वो ले लिया। तो ये बहुत सही होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, मैंने हाथ लगा के इसको गंदा कर रखा है, बट मैं बता रही हूँ इसको आपको ज़रूर रखना चाहिए। मैं नेक्स्ट थिंग के बारे में बात करने वाली हूँ उसमें क्या है कि ये बहुत यूजफुल होने वाला है मिरर, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ इसकी, ये है यू नो सेल से चलने वाला फॉर योर शेपिंग योर आईब्रोज एंड अपर लिप्स। तो ये बहुत काम की चीज़ है, मैंने इसका कंप्लीट रिव्यू बनाया, एकदम कंप्लीट रिव्यू बनाया, आप देख सकते हो कि ये काम करता भी है कि नहीं, बट ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और मेरा तो ऐसा था यार कि अभी लॉकडाउन था, आप कहाँ जाते आईब्रो बनवाने, तो मैंने तो इसको ले लिया और मैं इसी से अपनी आईब्रो बनाती हूँ, और देखो कितनी सही है। तो ये उसके लिए क्या, देखो जो ये मिरर है ये काम आएगा, क्योंकि जब आप आईब्रो बनाओगे तो आपको बहुत करीब से छोटे छोटे बाल देखने होते हैं, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। तो यस नाउ मुझे पता भी नहीं है कौन सी गिनती चल रही है, मैंने कितने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया है, बट ठीक है मैंने 26 निकाल के रखे तो इट्स गोइंग टू बी 26, एक ज्यादा हो सकता है पर कम नहीं हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज ऑयल एब्जॉर्बेंट। देखो ये ऑयल एब्जॉर्बेंट है, हमको क्या होता है जैसे जो लोग, ये ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेसिफिकली, देखो आप अगर ऑयली स्किन से जूझने वाले इंसान हो तो आपको पता होगा कि हर 2 घंटे में हमारे फेस पे ऑयल आ जाता है। जैसे कि अब मैंने कुछ टाइम पहले मेकअप किया हुआ था तो मैं आपको बताती हूँ कि, तो इसकी मैं एक शीट लूंगी ठीक है, और क्या होता है अगर आपको ऑयल आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये शीट को ऐसे करके प्रेस करना है अपने फेस पे ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी जहां भी अगर आपको टी जोन में एक्सेस ऑयल आता है ठीक है, तो आप टी जोन पे ऐसे प्रेस करके वो एक्सेस ऑयल रिमूव कर सकते हो, क्योंकि बहुत देर तक फेस पे ऑयल रहना भी अच्छा नहीं होता है। तो देखो जब आप रिमूव कर लोगे तो आप, ये तो थोड़ा बहुत मेकअप है बट स्टिल आपको उसके बाद हल्का हल्का ऐसे डैम्प सा दिख रहा होगा, दिस इज ऑयल। तो ये क्या करता है, हमारे फेस पे जो एक्सेस ऑयल आया जिसकी वजह से हमारा मेकअप ना बहुत केकी फील होने लगता है, बहुत अजीब सा दिखने लगता है, तो वो चीज इससे नहीं होगी। ये नॉर्मली भी अवेलेबल होता है बट क्या कहते हैं आप, मैंने मिनिसो से लिया था, मिनिसो से परचेज कर लेना, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं वहां पे और बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, तो आप ये वहां से ले सकते हो। उसके अलावा हम मूव करते हैं थोड़ा सा एक और चीज पे जो मैं बताने वाली हूँ, वो ये है कि यार अगर एक तो मैंने अभी आपको ऑर्गेनिक पैड्स के बारे में बताया, अगर आप ऑर्गेनिक पैड्स को यूज कर रहे हो काफी टाइम से और इफ यू आर कंफर्टेबल विथ मेंस्ट्रुअल कप, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि मेंस्ट्रुअल कप्स पे मूव कर लो, क्योंकि यार एक तो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, उसके अलावा बहुत सेफ होते हैं, लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और इवन आप उसको यूज करके पानी में भी जा सकते हो, तो सोचो कितने काम की चीज है। सो आई हैव दिस मेंस्ट्रुअल कप, ये मैंने द वुमेन कंपनी से परचेज किया था, और इसके देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ स्पेसिफिकली कि आप किसी एक ब्रांड से परचेज करो, क्योंकि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप चाहो तो आप वाओ का परचेज कर सकते हो, आप चाहो तो पीसेज का परचेज कर सकते हो, और ना जाने कितने ब्रांड्स हैं, मैं वही बताऊंगी आपको जो मैंने यूज किया हुआ। चलो मूव करते हैं थोड़ा नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट की तरफ, जो कि होने वाला है हमारे मेकअप रिमूवल से रिलेटेड। यार देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज भी फेशियल वाइप्स यूज करते हैं, करते हो तो
अच्छी बात है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगी कि यार ये जो होता है ना, दीज आर रीयूजेबल मेकअप रिमूवर टॉप, दीज आर मेड फ्रॉम माइक्रो फाइबर्स. ये क्या करते हैं, इसको वेट करके मेकअप प्रॉपर, और इसे बहुत अच्छा मेकअप रिमूव कर होता है. मैंने अर्थ रिदम का परचेज किया था अमेजोन से, दो आए थे ब्लैक और व्हाइट. मैं ब्लैक यूज करी, व्हाइट यार यूज करने का मन नहीं हुआ, इतना साफ साफ मेकअप लगेगा वो गंदा होगा ही, बट स्टिल आई एम गोइंग टू यूज दिस. बट हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि हमें यार, मेरा ये मानना है कि हमें अब थोड़ा सा तो एनवायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है कि क्या है बाहर, क्या चल रहा है, किस तरीके से एनवायरमेंट पॉल्यूटेड है. तो तुम किसी और को नहीं, पर खुद से जो चेंजेस अपने लाइफ में कर सकते हो वो करो ना, एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं. या सो इन दैट नोट, चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी यू नो फेक नेल्स और प्रेस ऑन नेल्स, वट एवर यू कैन से दैट. तो ये भी मेरे असली नेल्स नहीं है, दीज आर प्रेस ऑन नेल्स. प्रेस ऑन नेल्स में मैं ये वाला किट यूज करती हूँ नेल्स का. ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था और ये बहुत मस्त चीज है. इसमें इतने सारे नेल्स हैं हर शेप के, और देखो कितने सही लगते हैं. बस मैंने इसमें नाइका का नेल पेंट यूज किया हुआ है. तो नेल पेंट आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट ये बहुत अच्छे थे, इसके साथ ग्लू भी आता है, आप उसको प्रॉपरली चिपकाओ और ये दो तीन दिन आराम से चलता है उस ग्लू के साथ. यार अगर आप बहुत ज्यादा पानी में, जैसे मैं तो ऐसा है कि मैं तो पूरा खाना बनाती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, मतलब पूरा हाउस होल्ड वर्क करती हूँ, उसके बाद भी दो तीन दिन ये चल जाता है तो क्या बुरा है, बहुत अच्छे लगते हैं. ऊपर से कोई आपको एक्सटेंशन कराने की जरूरत नहीं, जब मनो निकाल दो, जब मनो. देखो मैं वो पर्सन हूँ ही नहीं, मुझे नेल्स पसंद ही नहीं है क्योंकि मुझे बहुत अनहाइजीनिक सा लगता है, बट स्टिल क्या करें, फैशन है तो उसके बारे में, उसके हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना. तो इसलिए यूज दीज काइंड ऑफ नेल्स, दिस इज वेरी गुड थिंग. इसका लिंक मैं पक्का देने वाली हूँ, पक्का, क्योंकि ये काम की चीज है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका केस बहुत अच्छा है, रखने के लिए स्पेस काफी अच्छा है, तो बहुत अच्छा है इन टोटल. Now I'm going to talk about a small thing that is called as folding comb. ठीक है, देखो हम छोटी वाली पतली वाली कंघियां तो रख लेते हैं अपने साथ, पर क्या होता है जो वो बड़ा वाला कोम होता है जिससे हम अच्छे से डिटैंगल कर पाते हैं हेयर, वो हम लोग ट्रेवल में बड़ा मिस करते हैं, है ना. और वो उतना बड़ा, इतना स्पेस लेता है वो, कि यार उसको रखना, मतलब लड़कियों के पास तो वैसे भी स्पेस क्रंच होता है तो कहाँ रखेंगी उसको. तो इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फोल्डिंग यू नो कोम. और ये वेगा की है जो मैंने परचेज की, बड़ी कूल सी कोम है. देखो इसमें छोटू सा मिरर भी है, तो अगर आपने ये कोम ले लिया तो आपको मिरर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहली चीज तो, मतलब वो छोटा वाला मिरर जो हमको कभी कभी देखने के लिए काम आता है, हमारा आई मेकअप सही है, ये सब सही है. और इसको ना, इस कोम को ऐसे पुश करते हैं पीछे से तो कोम बाहर आ जाती है. ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे फेकू सी चीज है कि ले लिया तो शोबादी में काम नहीं करेगा, बहुत अच्छे से काम करता है. वैसे भी वेगा के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और बहुत काम की चीजें देते हैं, तो ये बहुत मस्त है. तो ये रहा नेक्स्ट थिंग. अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और हाइजीन के बारे में. आई नो मैंने बहुत सारी चीजें हाइजीन की इंक्लूड की, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू गेट अवेयर अबाउट प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में हैं, जो कि बहुत हेल्प कर रहे हैं यार हमारी हाइजीन को लेके, हमें काफी सोचने की जरूरत है. तो मैं बात कर रही हूँ पी सेफ के टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे के बारे में. अब मान लो बाई चांस आपने वो स्टैंडिंग भी नहीं लिया, आपको बैठना ही है, अब क्या करोगे आप, तो यार ये सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखो, स्प्रे करो, 30 सेकंड वेट करो, वहाँ टिश्यू पेपर होता है उसे थोड़ा सा पोंछ लो और देन उसके बाद वॉशरूम को यूज करो. ये जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ऐसा नहीं कि ले लो मन करे तो, इसको ले ही लो, ये बहुत जरूरी है. ओके, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में. सो ये क्या है, ये कुछ नहीं, दिस इज जस्ट अ गॉगल केस. यार ये बहुत ब्यूटीफुल, पहले तो देखो कितना सुंदर केस है. ठीक है, हम नॉर्मल क्या रखते हैं ब्लैक से व्हाइट से, में ये कितना कूल लग रहा है ना देखने में, क्या तो आप निकालो भी तो ऐसे मस्त लगे क्या ये. और इसमें आप आराम से अपना गॉगल रख सकते हो, बहुत काम की चीज है, बहुत सुंदर चीज है, ये होनी चाहिए. थोड़ी कुछ चीजें ऐसे ना होनी चाहिए ना जो थोड़ा मस्त अलग सा आपको महसूस करवाए, काफी अच्छी लग रही है. तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, ऐसा कॉस्ट कुछ 300-350. आई नो कि केस गॉगल रखने के लिए थोड़ा सा कॉस्टली है, बट यार शॉक बहुत बड़ी चीज होता है, करेक्ट. तो ये बहुत अच्छा है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड अनदर थिंग इज कॉल्ड एज बॉडी मिस्ट, जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ. देखो हम स्प्रे लगाते हैं, बट स्प्रे से भी ज्यादा इफेक्टिव कोई चीज होती है तो वो होती है बॉडी मिस्ट. ओके,
क्योंकि बॉडी में क्या होता है और इसको लगाने का एक तरीका होता है, आप जैसे नहा के आओ हल्का हल्का सा डैम्प आपकी बॉडी होती है ना, जब तभी आपको बॉडी स्प्रे लगाना है क्योंकि वो फिर काफी टाइम तक चलता है, ठीक है। या फिर आप मॉइस्चराइजर लगाने के बाद बॉडी स्प्रे लगाओ, क्योंकि मॉइस्चराइजर क्या होता है, वाटर को होल्ड करके रखता है, तो अगर आप मिस्ट लगाओगे तो उसको होल्ड करके रखेगा कुछ टाइम तक, तो आपको काफी टाइम तक यू नो खुशबू आती रहेगी अपने आप में से और आपके जो आजू बाजू लोग हैं उनको भी। तो मैं जो बॉडी मिस्ट बताने वाली हूँ वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट हो गया है जब से लॉन्च हुआ है, एंड दिस इज प्लम बॉडी लविंग बॉडी मिस्ट इन हवाइन रूम्बा। यार इसकी फ्रेग्रेंस इज ऑसम ऑसम एंड ऑसम, और कुछ मैं कह ही नहीं सकती। मेरे पास इसका बॉडी वॉश है, क्रीम है, हैंड क्रीम है, बहुत ही बीची वाइब आती है इसको लगाने के बाद, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, तो जरूर ट्राई करो। इसके अलावा मैं आपको एक सजेस्ट कर सकती हूँ, रोज मस्क ऑफ बॉडी शॉप, वो भी बहुत अच्छा है, और एक तो है, अगर मुझे उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं आई विल गिव द लिंक हो पाया तो ये रहा नेक्स्ट थिंग। उसके अलावा एक और थिंग है जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और होना ही चाहिए, इज दिस वन। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, देखो ये कुछ नहीं है, ये है, दिखा देती हूँ मैं आपको ये क्या है। तो ये है एक शॉपिंग बैग, इट इज फोल्डेबल शॉपिंग बैग, ठीक है भाई। देखो अगर आप लड़की हो और आपको पता है कि आपको शॉपिंग करने की कुछ खतरनाक आदत है मेरे तरीके से, तो आप ये चीज अपने साथ रखोगे क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या लेने जाओगे और क्या क्या खरीद के ले आओगे। तो मैं इसीलिए भाई इसको तो अपने पास रखती ही हूँ कि इमरजेंसी में अगर मुझे, देखो मम्मी को पॉली बैग्स लेना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मैं खुद अवॉइड करती हूँ कि मैं पॉली बैग्स खरीदूँ तो या लूँ, तो मैं क्या करती हूँ हमेशा एक ऐसे बैग्स वगैरह कैरी करके लेके जाती हूँ अपने साथ, और मुझे लगता है जब भी मुझे ज़रूरत होती है, मुझे लगता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा खरीद लिया है, मैं उसमें रख देती हूँ। ये बहुत काम का है क्या, मैं सारी चीज़ें आपको एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए बता रही हूँ, सोचो तो हम अपने लेवल पे हो के एनवायरनमेंट को कितना सेफ, मतलब एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कितना रोक सकते हैं, आप ये चीज़ सोच के देखो, तो सही बात है, सोचो, सोचना ज़रूरी। चलो उसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, चेस these are called as loofahs or scrubbers or जो भी बोल सकते हो, hand loofahs जो भी हैं, ये क्यों जरूरी होते हैं, और आई होप आप लोग यूज करते हो, अगर नहीं यूज करते हो तो मैं बता देती हूँ उसको यूज करो, क्योंकि एक चीज में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। क्या होते हैं ये, जेंटली आपके ना स्किन को रब करते हैं, तो पहली चीज तो डेड स्किन आपकी बॉडी पे नहीं इकट्ठा हो पाती है। दूसरी चीज, अगर आपको इनग्रोथ की प्रॉब्लम हो, अगर आप एक ऐसी लड़की हो जो वैक्सीन कराने के बाद इनग्रोथ आ जाती है या फिर एक बाल ऐसे वापस अंदर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इनग्रोथ, और वो बहुत लोगों को होता है, ये मेरे साथ होता है इसलिए मुझे पता है, तो आप ना ये लूफाज को प्रॉपरली यूज करो। लूफा को यूज करने से ना अपोजिट डायरेक्शन में रबिंग होती है, तो वो इनग्रोथ जो होती है ना वो मतलब उसकी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड हैक है फॉर दोज पीपल जिनको इनग्रोथ होती है, तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। चलो तो मैं एक और चीज के बारे में बात कर लेती हूँ, आई थिंक तीन चार चीजें ही बची हैं, बट यार चलो ठीक है, और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो चलो मैं बात कर लेती हूँ तीन चार चीजों के बारे में। वो है ये सिलिकॉन के यू नो पैचेस हैं जो हम अपने फुटवेयर में लगाते हैं, ताकि हमको अगर यू नो हील्स में पेन होता है थोड़ा सा, तो सिलिकॉन लगाने की वजह से वो पेन थोड़ा कम हो जाता है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट रहता है क्योंकि फुटवेयर में नीचे, तो आपको पेन थोड़ा कम होगा। ये इस तरीके के होते हैं, ये ज़िवामे में भी अवेलेबल है आई थिंक, एंड अमेज़न में तो होते ही हैं अवेलेबल। ये बहुत काम की चीज़ है, अगर आपको थोड़ा सा पैरों में बहुत, आप खड़े होके काम करते हो, ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ पे आपको 9-10 घंटे खड़े रहना पड़ रहा है, तो फिर आप ये ज़रूर से ले लो, ताकि आपको पैरों में जो पेन का प्रॉब्लम होगा वो नहीं होगा, क्योंकि हमें हील्स तो पहननी ही पड़ती है कई बार, इवन फ्लैट में अगर आप 5 घंटे खड़े हो तो आपको पेन होने लगेगा, ये होता ही है, तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट शेपवेयर। शेपवेयर ज़रूर से ही परचेज करने वाली चीज़ होती है। अगर आप पतले भी हो ना और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे शेपवेयर की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि शेपवेयर से बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिलता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है जो हमारे पास होनी चाहिए। बहुत वैरायटी के शेपवेयर आते हैं
और क्या होता है कि शेप वेयर से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बॉडी का सही रहता है। अगर आप नहीं पहनते तो हमें पता है कि थोड़ा बहुत तो पेट निकला ही होता है, थोड़ा बहुत अगर आप पतले हो तो भी। तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि शेप वेयर जरूर परचेज करें। देखो मेरे पास तीन टाइप के शेप वेयर हैं जो कि होना चाहिए। एक तो ये लॉन्ग वाले, जैसे आपने लॉन्ग ड्रेस पहनी है या पहना है तो आप उस पर ऐसे, इनका टमी वाले शेप वेयर है स्पेसिफिकली ये, तो आप ये पहन सकते हो। उसके अलावा एक और आता है विच इज दिस हाफ वन, ओके, जो इतना हाफ ही होता है, आता है जो स्पेसिफिकली सिर्फ टमी को कवर करता है। इसको कॉर्सेट भी बोलते हैं कुछ लोग, ऐसा टाइप का होता है बटन लगा के। ये बहुत इफेक्टिव होता है यार, ये मतलब आपके टमी को ना इतना सही शेप देता है और ये काफी एक्सपेंडेबल होते हैं। देखो तो ये वाला मैंने शीन से लिया था और अमेजोन में तो अभी शीन आने वाला है तो वहां पे भी देख सकते हो। तो जो लास्ट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ यार, आई मेड इट टू 25 क्योंकि अब एक ही चीज बची है। तो आई नो कि लास्ट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक टाइप का बैग है और उसे मेंशन करना मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो बैग है ही ऐसा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ बैग, ओके। अब इसमें क्या खास है, पहली बात तो इसमें तीन चेन है, ठीक है, और इस बैग में लैपटॉप से लेके आपके दो दिन के कपड़े आराम से आ जाएंगे। ये इतना स्पेस होता है इसमें, यहाँ पे बीच में आप लैपटॉप रख सकते हो या आगे पीछे आप ये रख सकते हो। तो ऐसा किसी भी टाइप का बड़ा बैग, हैंडबैग टाइप का, जो कि कूल भी लगे, मतलब बैग जैसा ना लगे कि मतलब आप बैग पे टू लेके जा रहे हैं या फिर हम ऐसे बैग जो आते हैं वो हैंडबैग डफल बैग वैसे लेके जा रहे हैं। ये देखो कितना कूल लगता है, ठीक है, इतना ट्रेंडी दिख रहा है बट इसमें कितना सामान आ जाएगा आपको पता नहीं, ठीक है। तो इस ये बैग मैंने मायशा से लिया है, इंस्टाग्राम स्टोर है, मैं इसका लिंक मेंशन करूंगी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग हर नेम रॉन्ग, मायशा, या इट्स मायशा ओनली। यार वो बहुत अच्छे बैग्स बनाती है, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई एम जस्ट सेइंग कि वो बहुत अच्छे बैग्स बनाती है क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ दिस बैग। इतना अच्छा क्वालिटी है और मैंने इसको कम से कम नहीं तो कितने बार यूज कर लिया है मुझे खुद भी नहीं याद है, ओके। ये इतना अच्छा बैग है, इतना मजबूत है, इसमें मैंने इतना सामान भरा था, लैपटॉप से लेके आईपैड, फोन्स, पूरा अपना मेकअप का सामान, सब कुछ। लेकिन ये बहुत स्टर्डी है, बहुत अच्छा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। फाइनली आई हैव कम्प्लीटेड, इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखाने के लिए, थी कुछ चीजें बट उसको क्या इंक्लूड करेंगे, बट आई हैव फिनिश्ड वीडियो सक्सेसफुली। 6 दिन हो गए हैं, मैंने 6 दिन में 6 वीडियोज डाल दिया, आई हैव मेड माई प्रॉमिस। अब आप लोग इस वीडियो को देख के प्लीज 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 इसको शेयर करो अपने जितने सारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ और लोगों के साथ, ताकि उनको भी पता लगे कि कैसी कैसी चीजें हैं जो कि हमारे पास होनी ही चाहिए। और मैंने बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें नहीं बताई हैं, देखो मैंने कॉस्ट इफेक्टिव ही चीजें बताई हैं अपार्ट फ्रॉम दैट बैग। वो बैग थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड है बट वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, हमेशा याद रखना कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक बार इन्वेस्ट करते हो बहुत टाइम चलती है, तो उनको लेना ही चाहिए, करेक्ट। दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियोस मिस ना करो। एंड आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो टुडे इज माई बर्थडे, सो विश मी बर्थडे इन कमेंट सेक्शन प्लीज। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ। बाय।